नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर डॉट भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने घर पर कंड्यूट वायरिंग कर सकते हैं या सीख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंड्यूट वायरिंग किया हुआ स्विच बोर्ड लगाया गया है या कंसोल कंड्यूट वायरिंग है, जिसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। तो ये कैसे की जाती है, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में बताया था कि कंड्यूट वायरिंग करते समय आपको अपने घर के हर एक लाइट, फैन और स्विच बोर्ड का डायग्राम बना लेना है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कि कौन से पाइप से आपको कितनी वायर लेके जानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह एक साधारण सा डायग्राम है। इसमें आपको चारों तरफ लाइट दी गई है चारों कॉर्नर में, और बीच में फैन बॉक्स है। तो आपको सभी लाइट की कौनसिल से दो दो वायर लेकर फैन बॉक्स तक लानी है। यहाँ पर आपके पास में 8 वायर हो जाएंगी। अभी आप अगर इन सभी लाइट का कनेक्शन एक ही बटन पर कर देंगे तो आपको फैन बॉक्स से सिर्फ दो ही तारों को मेन स्विच बोर्ड तक लेके जानी है। वो कैसे करेंगे, आपको चारों लाइट की तारों को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर देना है और फिर आपके सामने दो वायर आ जाएंगी। दो में से आपको एक न्यूट्रल रखनी है और एक मेन सप्लाई के लिए रखनी है। जो मेन सप्लाई की वायर है वो आप स्विच बोर्ड तक लेके जा सकते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल वायर है वो आप अपने पंखे के लिए जो दो वायर छोड़ेंगे उनमें भी एक न्यूट्रल होगा, तो आप उसमें भी एक कॉमन न्यूट्रल को जोड़ लीजिए। आपके घर में जहां पर भी जितने भी लाइट या फैन आप लगा रहे हैं उनका जो कॉमन टर्मिनल है यानी कि न्यूट्रल जो हम रखेंगे वो आपस में आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, जिससे आपको स्विच बोर्ड तक सिर्फ एक ही वायर लेके जानी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप इन चारों लाइट का कनेक्शन अलग अलग बटन पर देना चाहते हैं तो आपको चारों लाइट का एक एक वायर जो कि मेन सप्लाई में जुड़ेगा, जो कि बटन पर जुड़ेगा, उसे अलग कर लेना है और बाकी चार तारों को आपस में जोड़ देना है जो कि न्यूट्रल होगा, जिसे हम कॉमन रखेंगे। इस प्रकार आपके पास में 5 तार हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप फैन का कनेक्शन भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी दो तार में से एक तार मेन सप्लाई की होगी, वो अलग लेके जानी है, और जो न्यूट्रल होगी वो आपको लाइट की जो न्यूट्रल वायर है उसके साथ में जोड़कर एक वायर लेके जानी है। तो इस प्रकार आपको यहाँ से स्विच बोर्ड तक 6 तारों को लेके जाना होगा। लेकिन इसके बजाय अगर आप सभी लाइट को एक ही कनेक्शन पर जोड़ देते हैं तो आपको यहाँ से सिर्फ 3 तारों को लेके जाना होगा। इसका कनेक्शन आप डायग्राम की मदद से देख लीजिए। यह तो आपको पता चल गया कि आपको कौन सी पाइप से कितने वायर लेके जाने हैं, इसका आप अंदाजा बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आप तारों को पाइप से खींचेंगे कैसे। इसके लिए आपको मार्केट में सिल्वर की वायर मिलेगी, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये सिल्वर या फिर आपको कॉपर में ये वायर देखने को मिलेगी और ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप बता सकते हैं उन्हें कि आपको कंसोल्ड वायरिंग के लिए या फिर पाइप के अंदर से तार खींचने के लिए वायर चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगी। तो आप अगर छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं 10 से 15 फुट का, तो आप वो भी खरीद के ला सकते हैं और आपको इस तार को आगे से मोड़ लेना है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाया गया है, क्योंकि यह मुड़ा हुआ हिस्सा ही आपको पहले पाइप में डालना होगा और यह आसानी से सभी पाइप के अंदर जा सके, इसलिए हम इसे मोड़ देते हैं। अब आपको यह वायर वहां से डालना शुरू करना है जहां से आप वायरिंग शुरू करना चाहते हैं। अगर आप एमसीबी बॉक्स से वायरिंग दूसरे किसी स्विच बोर्ड में लेके जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एमसीबी बॉक्स से ही यह वायर डालनी है, और जैसे ही यह वायर दूसरे सिरे पर निकलती है तो आपको इसके पिछले सिरे पर अपनी सभी वायर को लपेट देना है और टेप के साथ में उसे अच्छे से बांध देना है, ताकि जब आप तारों को पाइप से खींचे तो वह इससे अलग ना हो। तो ये मेरा एमसीबी बॉक्स है और यहाँ से पहले मैं वायर यहाँ तक लेके आया, क्योंकि यहाँ से वायर को मोड़ना था इसलिए मुझे यहाँ पर ये होल रखना पड़ा। तो यहाँ तक हमें पहले वायर लोहे की यहाँ तक डालनी है और उसके साथ में सभी वायर को यहाँ तक खींचना है, और फिर यहाँ से दोबारा से वायर को डालना है इस तरफ और इस बॉक्स तक लेके आना है, और इस वायर इस बॉक्स पर लाने के बाद में हमें इस बॉक्स तक तारों को लेके आना है। तो ये यहाँ पे एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है जिसमें सॉकेट लगाए जाएंगे और ऊपर वाले में बटन लगाए जाएंगे। यह बटन ऊपर लगी हुई इस लाइट के लिए होगा, यहाँ पर जो लाइट लगेगी उसके लिए। तो यहाँ से पहले आपको यहाँ इस बोर्ड तक एमसीबी बॉक्स से और ऐसे तारों को ले आना है और यहाँ पर तार लाकर आपको छोड़ देने हैं। अब आपको ऊपर से इस बॉक्स से तार को डालना है और ऐसे आपकी तार आएगी यहाँ तक। तो आपको यहाँ से सिर्फ दो ही वायर को
यहाँ तक बॉक्स तक लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक लाइट लगानी है। और यहाँ पर लाने के बाद में आपको इसमें स्विच बोर्ड में इसके कनेक्शन कर देने हैं। स्विच बोर्ड में यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद में आपको यह स्विच बोर्ड बंद कर देना है, और फिर आपको यहाँ पे कनेक्शन करने हैं और इसको बंद कर देना है। और यहाँ पर ऐसे कनेक्शन होने के बाद में आपको यहाँ पर जो वायर आपकी बचेगी उसको आपको कट करके और मैन एमसीबी के साथ में कनेक्शन कर देना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसकी वायरिंग, पूरे की वायरिंग यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन कनेक्शन करते समय आपको काफ़ी ध्यान रखना है। कनेक्शन करते समय आपको स्विच बोर्ड में जो भी वायर आप लेके आए हैं एमसीबी बॉक्स से, वो आपको काटने नहीं हैं। बीच के जो स्विच बोर्ड होंगे उनमें आपको नहीं काटनी है। जो सबसे आखिर में स्विच बोर्ड होगा उस पर ले जाकर आप उसे काट सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने फोटो में दिखाया, एक छोटा स्विच बोर्ड है और एक बड़ा है। तो जो बड़ा स्विच बोर्ड है उसमें आपको कनेक्शन काटने नहीं है, तारों को दो हिस्से नहीं करने हैं। आपको करना क्या है कि आपको तार को बीच में से छील लेना है, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर मैंने तारों को काटा नहीं है बल्कि दोनों तरफ से छील लिया है, और फिर आपको बीच में ऐसे होल बना देना है। और जो भी आपको वायर इसके साथ में जोड़नी है, जैसे कि यह इन्वर्टर की लाइन है, तो इसमें आपको स्विच बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन देना, तो आपको इस वायर के अंदर ही दूसरी वायर लगा देनी है और उसे चारों तरफ घुमा देनी है, ऐसे देखिए। इससे आपका जो कनेक्शन है वो ज़्यादा मजबूत और अच्छा होगा, और इसकी इससे आपकी वायर भी नहीं कटेगी। और यह कनेक्शन करने के बाद में आपको जो इसके ऊपर टेप लगानी है वो बहुत ही टाइट और ज़्यादा लगानी है, क्योंकि यह कनेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसी कारण इसके ऊपर टेप थोड़ी सी ज़्यादा टाइट लगाएं और ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं फोटो में मैंने कितनी टाइट और ज़्यादा इसके ऊपर टेप लगाई है, ताकि ये ज़्यादा अच्छे से जुड़ा रहे। तो इस प्रकार आप किसी भी स्विच बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्विच बोर्ड में जो इन्वर्टर की लाइन और मेन सप्लाई की लाइन के कनेक्शन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है, आप वो देख लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर लगने वाले जो भी स्विच और सॉकेट हैं वो आप अपने बजट के हिसाब से खरीदेंगे। ये मैंने इंडो एशियन कंपनी के मॉड्यूलर टाइप स्विच का इस्तेमाल किया है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है और यह काफ़ी सस्ते भी हैं, तो आप यह अपने बजट के अनुसार ही खरीदेंगे। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता कि आपको कितने mm की वायर या कितनी मोटी वायर का इस्तेमाल आपको करना है, तो इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है बहुत ही डिटेल में, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी वायर किस लिए इस्तेमाल में लेनी है। तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वो दोनों वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर इसके बारे में आपका अभी भी कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।